फ्रेंड, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी मत बिटोपी। आज जिस कत्ल की बात मैं करने वाला हूं वो ब्रिटेन की धरती में हुआ था और वो कत्ल इतने आश्चर्यजनक तरीके से हुआ था, रहस्यमय ढंग से हुआ था कि उसे पता करने के लिए लगभग 3 हफ्ते लग गए। जब तक ये लोग पता कर पाते कि इसकी मौत का कारण क्या है, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और वो व्यक्ति कोई और नहीं अलेक्जेंडर लिटवी नेनको था, जो रशियन स्पाई था, केजीबी का पुराना जासूस था, जो भाग के रशिया से यूके आ गया था, लंदन आ गया था अपनी पत्नी के साथ और यहाँ पे उन्होंने शरण ले ली थी। अलेक्जेंडर लिटविनेनको रशियन स्पाई थे और रशिया में 1998 में वो रशिया में एफएसबी में थे, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में थे। लंदन में वो लंदन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6 उसके लिए काम करने लगा। MI6 ने उसे काफी पैसे दिए ये पता करने के लिए और ये उजागर करने के लिए कि रशिया में जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके करप्शंस को ये काम करने लगा लंदन में बैठ के। और इसी बीच एक दिन उसे 2006 में, 6 साल के बाद, 2000 में वो लंदन आया और 2006 में उसके दो पुराने साथी जो केजीबी में उसके साथ थे उसे मिलने के लिए लंदन आते। लंदन के मिलेनियम होटल में मीटिंग फिक्स की जाती है। ये अलेक्जेंडर ये सोचता मैं अपने पुराने दोस्तों के बीच में और वहां चाय पीने के लिए चला जाता है। चाय पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हो जाती है, उसे उल्टियां होने लगती है, उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके दोनों जो केजीबी के साथी थे वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आता, उसका ब्लड प्रेशर काफी नीचे गिर गया था और वो कुछ खाने पीने की स्थिति में भी नहीं था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। प्रोफेसर नाथानी ने अलेक्जेंडर के ब्लड एंड यूरिन सैंपल ब्रिटिश न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अल्डर मास्टोन में चेक करने के लिए भेज दिए और वहां से जो रिपोर्ट आई वो सुनने के बाद इनके होश उड़ गए। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अलेक्जेंडर को रेडियो एक्टिव प्लोनियम 210 दिया गया और जिसकी वजह से उसकी ये हालत थी और 1 नवंबर को इसकी मीटिंग होती है 2006 को, 1 नवंबर 2006 को इसकी मीटिंग होती है और ठीक 22 दिनों के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। उसकी वाइफ मरीना इस केस को बहुत जोर शोर से उठाती है, पूरी दुनिया को बताती है और वो डायरेक्टली बोलती है कि इन सब के पीछे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का हाथ है। MI6 और पुलिस दोनों इसकी जांच करती है और जांच में उन्हें मालूम पड़ता है कि इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो दो लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, वो थे एंड्रे लुगोवॉय एंड डिमिट्री कॉर्टून। ये दोनों ने ही उसे चाय में प्लोनियम 210 मिला के दिया। उसके बाद एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस फ्लाइट का पता किया, उसे फ्लाइट में मालूम पड़ गया किस फ्लाइट से आए और ये लोग कहां कहां गए, किस होटल एंड किस रेस्टोरेंट में गए। ऐसे लगभग 40 जगह कंटेमिनेटेड पाए गए और उन सब जगहों को सील कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एंड्रे एंड डिमिट्री के खिलाफ काफी सबूत थे लेकिन वो कभी भी उनको सजा नहीं दिला पाए क्योंकि उनका प्रत्यार्पण ही नहीं हो पाया और बाद में एंड्रे पॉलिटिक्स में चला गया, वो पॉलिटिकल लीडर बन गया, ही इज अ पॉलिटिकल लीडर इन रशिया। और एंड्रे लुगोवॉय का ये कहना है कि मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, मैं उसे जानता नहीं था तो मैं उसे क्यों मारूंगा और मुझे उसे मारने का कोई मकसद नहीं है। अलेक्जेंडर ने जाने अनजाने में अपने बहुत पावरफुल शत्रु पैदा कर लिए थे और रशिया में रहते हुए भी वो सरकार के खिलाफ बोल रहा था, प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ बोल रहा था, सारी जो डिपार्टमेंट की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की बातें थी वो पब्लिकली
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहा था। और इस तरह की हत्या प्रोनियम 210 से पहली बार ब्रिटेन की धरती पे हुआ और ये केस एक तरह से कहें तो परफेक्ट क्राइम था, इट वॉज अ परफेक्ट क्राइम। अगर फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।